हाय एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन एन एकेडमी प्लेटफॉर्म। तो सर नेक्स्ट यहाँ पे हम देखना शुरू करते हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है राजस्थान के अंदर आपका सिंचाई परियोजनाएं और वृद्ध सिंचाई परियोजनाएं जो हैं, ये अपना टॉपिक रहेगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्लास देख रहे हैं वो देख रहे हैं आप अन एकेडमी आरपीएससी लाइव पर, और अगर आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अन एकेडमी लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, अन एकेडमी पर आपको 15 तारीख को मिलेगा फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज, ये आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और इस टेस्ट सीरीज में फर्स्ट रैंक पे आने पर आपको अन एकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे मिलता है 75% का डिस्काउंट, 2 से 5 पर 50%, और अगर आप रैंक 6 से 100 के बीच में आते हैं तो 25% डिस्काउंट दिया जाएगा। नेक्स्ट, अन एकेडमी प्लस की जितनी भी क्लासेज होंगी वो आपको लाइव देखने को मिलेंगी, उसके अलावा रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस देखने को मिलेंगे, उसके अलावा ऑनलाइन ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स के एजुकेटर देखने को मिलेंगे, और घर बैठे आप अन एकेडमी के साथ में कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। अन एकेडमी पर आपको टेस्ट सीरीज जो है हमारी फ्री टेस्ट सीरीज है ये भी देखने को मिलेंगी, आप इन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। और अन एकेडमी पर आपको पेड टेस्ट सीरीज है ये भी देखने को मिलेंगे, आप ये टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। बात करी जाए अन एकेडमी पर प्लस सब्सक्रिप्शन की, तो आर एस का जो फीस है वो साल भर की आपकी 7,000 रुपये है, ग्रेड 1 6 महीने का 2500, ग्रेड सेकंड 2100, रीट का 2500, और वीडियो की बात करते हैं तो 2160 रुपये आपका। और आप जो कोई सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं जिस एग्ज़ाम के लिए आप ले सकते हैं, और डिस्काउंट के लिए आप कोड यूज़ कर सकते हैं TT लाइव। जैसे ही आप ये कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। नेक्स्ट, अन एकेडमी पर आपको कॉम्बो सब्सक्रिप्शन जो है वो भी देखने को मिलेंगे, तो आप अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग कॉम्बो सब्सक्रिप्शन यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, अब आपको देखो यहाँ पे वीडियो के सिलेबस में मैंने कल भी बात करी थी, राजस्थान की वृहद सिंचाई परियोजना जो है वो देखने को मिलती है। वृहद सिंचाई परियोजना के अलावा आपको कुमार गौरव के रसगुल्ला सर जनजातीय वाला टॉपिक भी करवा दो, जनजाति वाला टॉपिक। सर टॉपिक मैं धीरे धीरे जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे करवाता जाऊंगा, है ना। चलो सर, तो सबसे पहले आप जो राजस्थान के अंदर, या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे राजस्थान की वृद्ध परियोजना देखना शुरू करते हैं। तो पहले तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि सर राजस्थान के अंदर जो परियोजना चल रही है वृद्ध परियोजना कौन सी है, लघु परियोजना कौन सी है, और मध्यम परियोजना जो है वो कौन सी है। आपको अलग अलग परियोजना देखने को मिलती हैं, और प्रत्येक परियोजना को आप देखना शुरू करोगे तो यहाँ पे अलग, मतलब इन परियोजनाओं की जो परिभाषाएं जो हैं वो अलग अलग देखने को मिलती हैं। हम बात कर रहे हैं किसी केवल सिंचाई परियोजना की बात कर रहे हैं, है ना। तो सिंचाई परियोजना के अंदर आप देखना शुरू करोगे आपको मेनली यहाँ पे जो देखने को मिलेगी कौन सी, सबसे पहले आप देखते हो कि सिंचाई के साधन के आधार पर परियोजना जो है वो डिवाइड करी जाती है, 3 भाग में बांटते हैं, लघु परियोजना, मध्यम परियोजना और वृहद परियोजना। ऐसी परियोजना जहां पे आपका 10 लाख हेक्टर से अधिक का क्षेत्र जो है वो सिंचित किया जा सके उसको बोलते हैं अपन क्या, 10,000 हेक्टर से अधिक का क्षेत्र जो है जो आपका सिंचित करा जा सके उसको बोलेंगे अपन वृहद सिंचाई परियोजना। ऐसी परियोजना जहां पे आपका 2,000 हेक्टर से लेकर के आपका 10,000 हेक्टर तक का क्षेत्र जो है सिंचित किया जा सकता है उसको बोलते हैं मध्यम सिंचाई परियोजना। और ऐसी सिंचाई परियोजना जो लगभग 2000 हेक्टर तक का क्षेत्र सिंचित करने की क्षमता रखती हैं उनको बोलते हैं हम लघु सिंचाई परियोजना। तो 3 परियोजना दिखाई देंगी आपको, वृहद, मध्यम और लघु। वृहद परियोजना वे जो कि 10,000 हेक्टर से लेकर आपका 10,000 हेक्टर या इससे अधिक का क्षेत्र जो सिंचित कर सकती हैं। मध्यम परियोजना मैं बोल सकता हूं आपका 2000 से लेकर के 10,000 हेक्टर के मध्य का क्षेत्र सिंचित करने की क्षमता रखती हैं। लघु परियोजना 2000 हेक्टर तक का क्षेत्र सिंचित करने की क्षमता रखती हैं, ठीक। तो इस आधार पे परियोजनाएं बांटी जाती हैं। अब दूसरी बात कि राजस्थान के अंदर आपकी वृद्ध परियोजना कितनी है, मध्यम परियोजना कितनी है और लघु परियोजना कितनी है। कोई कितना भी कह के आपसे थक जाए विश्वास मत करना, कोई गाइड कुछ भी कह दे प्लीज़ उस पर विश्वास मत करना। विश्वास करना आप राजस्थान के आर्थिक सर्वे पे। राजस्थान का आर्थिक सर्वे क्या कहता है कि राजस्थान राज्य के अंदर वर्ष 2021-22 में वृहद परियोजना जो है वो है 7, राजस्थान राज्य के अंदर मध्यम परियोजना कितनी है 5, राजस्थान के अंदर लघु परियोजना कितनी है 41, ठीक है। बिल्कुल यही आपको ध्यान रखना है। पिछली बार जो है आपकी 6 बता रखी थी आपकी मध्यम,
मध्यम परियोजना वर्तमान में 5 हैं, उसके बाद में वृहद की बात करी जाए तो 7 हैं, और उसके बाद में अगर लघु परियोजनाओं की बात करी जाए तो 41 हैं। यानी कि 41 परियोजनाएं ऐसी हैं जो कि 2000 हेक्टर तक का क्षेत्र सिंचित रखने की क्षमता रखती हैं। 5 परियोजना ऐसी हैं हमारी जो कि मैं बोल सकता हूं आपका 2000 हेक्टर से लेकर के 10000 हेक्टर तक का क्षेत्र सिंचित करने की क्षमता रखती हैं, और 7 वृहद परियोजना ऐसी हैं जो कि 10000 हेक्टर से अधिक क्षेत्र जो है इसको सिंचित करने की क्षमता रखती हैं। तो वर्ष 2021-22 के अंदर वृहद परियोजना कौन कौन सी देखने को मिलेगी? एक तो देखने को मिलेगी कौन सी अपने को, नर्मदा परियोजना, एक परवन परियोजना, एक धौलपुर लिफ्ट परियोजना, एक राजस्थान मरु क्षेत्र के अंदर पुनर्गठन परियोजना, एक देखने को मिलेगा ERCP। देखो यहाँ पे है ना, ये पूरा का पूरा आपका वीडियो प्रीलिम्स में क्वेश्चन दिया हुआ था। ERCP यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या होगी, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। ठीक है, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के नाम से ये जानी जाएगी ERCP। अगर पूछे ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट तो आप बोलोगे पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना या ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट जो है ये। इसी के अंतर्गत आपको एक बांध देखने को मिलेगा, नवनेरा बांध। नवनेरा बांध जो राजस्थान के अंदर बनाया जा रहा है वो पूर्वी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट या ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट या पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जो है इसके अंतर्गत बनाया जा रहा है, उच्च स्तरीय नहर। और एक देखने को मिलती है पीपलखूट परियोजना। मध्यम परियोजना की बात करी जाए तो गढ़डदा देखने को मिलती है, ताकली, गागरीन, लहासी और हतियादे। ठीक है, चलिए सर इनको आगे देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम राजस्थान के अंदर वृहद सिंचाई परियोजना में देखना शुरू करते हैं किसको, नर्मदा सिंचाई परियोजना जो है इसको देखते हैं। अब देखो नर्मदा सिंचाई परियोजना जो देखने को मिलती है तो ये आपको स्पेशली नर्मदा नदी जो है वहां पे। अब नर्मदा नदी जो है कहां से निकल रही है, आप देखोगे भारत में ये दिखाई देता है विंध्यन पर्वत, ये दिखाई देता है सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, तो ये आपका विंध्यन और सतपुड़ा जो है इनके मध्य से निकल रही है कौन सी नदी, नर्मदा नदी आपकी। अब नर्मदा नदी जो निकल रही है इसका पानी जो है वो उपयोग में लाया जा रहा है राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान के अंदर आप उपयोग में कैसे लेके आओगे, नो डाउट आप कोई ना कोई कैनाल लेके आओगे। कैनाल मतलब आप राजस्थान के अंदर कोई ना कोई नहर लेके आओगे, तभी तो ये पानी राजस्थान में आ पाएगा। क्यों? क्योंकि नर्मदा नदी जो है वो राजस्थान में से नहीं बहती है। ठीक, इसका जो क्षेत्र जो देखने को मिलेगा, बेसिन एरिया जो होगा, बेसिन एरिया मतलब मैं बोल सकता हूँ प्रवाह क्षेत्र या नर्मदा नदी को जो पानी मिलता है, बेसिन एरिया के अंदर कौन कौन सा आएगा इसका, वो देखने को मिलता है एक तो आपका MP, मध्य प्रदेश, उसके अलावा एक देखने को मिलता है आपको गुजरात, और एक देखने को मिलता है आपको महाराष्ट्र। नर्मदा मुख्य नदी और नर्मदा की कोई भी सहायक नदी राजस्थान से नहीं गुजरती है, केवल 3 राज्य देखने को मिलेंगे, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। ये क्वेश्चन कॉलेज लेक्चर के अंदर आया हुआ था कि उपरोक्त में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी के पेटे क्षेत्र में नहीं आता है, और उसका आंसर था राजस्थान, या नर्मदा बेसिन एरिया में नहीं आता है, उसका आंसर था आपका राजस्थान। नर्मदा नहर परियोजना जो है इस परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन से हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, 4 राज्य देखने को मिलेंगे। इस परियोजना के अंदर गुजरात में एक बांध बनाया गया है, इस बांध का नाम क्या है, सरदार सरोवर बांध। ये सरदार सरोवर बांध जो है ये काफी ज्यादा चर्चाओं में रहा था। सरदार सरोवर बांध चर्चा में इसलिए रहा था कि सर जब ये बांध बनाया जा रहा था तो यहाँ पे काफी ज्यादा जमीन किसानों की जो है वो क्या करी जा रही थी, गवर्नमेंट अपने अधीन कर रही थी बांध बनाने के लिए। ठीक, और इसके अंदर कुछ आपको नाम देखने को मिलेंगे, कुछ बॉलीवुड स्टार जो हैं वो भी उस वक्त जो है काफी एक्टिव रहे थे। नर्मदा सिंचाई परियोजना के अंतर्गत सरदार सरोवर बांध ना बनाने के पक्ष में, मेरे को बहुत ढंग से याद है 2008-09 के अंदर यहाँ के लोगों ने जो प्रदर्शन करना शुरू करा था तो नर्मदा नदी के अंदर उतर के इन्होंने प्रदर्शन करा था, और 2 या 3 दिन तक ये नदियों के अंदर, नदी के अंदर खड़े रहे थे, और जब इनके पैर गलने शुरू हो गए थे तब यहाँ पे फोर्स के द्वारा इनको जबरदस्ती यहाँ से निकाला गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखना शुरू करते हो स्पेशली शायद एक मेघा पाटेकर जो हैं उनका नाम सबसे ज़्यादा रहा था इस सरदार सरोवर बांध के अंदर। ठीक है, इसको ना बनने के लिए उन्होंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट चलाए थे। अब देखो सरदार सरोवर बांध जो है
ये स्पेशली देखने को मिलता है कहाँ पे, गुजरात के अंदर। अगर आप इंडिया का मैप देखना शुरू करते हो तो आपको जस्ट राजस्थान के नीचे गुजरात दिखाई देगा, और गुजरात में नर्मदा नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध, और इस सरदार सरोवर बांध से कैनाल निकाली गई है जो कि राजस्थान के दो जिलों को लाभान्वित कर रही है। एक तो देखने को मिलेगा आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट, जालौर जो है ये देखने को मिलेगा, और जालौर के अलावा दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा आपको बाड़मेर। तो नर्मदा सिंचाई परियोजना से राजस्थान के लाभान्वित जिले हैं जालौर तथा बाड़मेर। सबसे ज्यादा जो लाभान्वित जिला राजस्थान राज्य का देखने को मिलता है वो जालौर। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आरएसएम एसएसबी के द्वारा या राजस्थान स्टेट के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं अपने, क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं, उन्होंने पहली बार पूछ लिया कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला नर्मदा सिंचाई परियोजना से लाभान्वित है। तो यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन में दे दिया जालौर, ठीक है, जालौर दे दिया, जोधपुर दे दिया आपका, उसके अलावा जैसलमेर दे दिया आपका, सिरोही दे दिया, तो ऑब्वियस आंसर जालौर होगा। दूसरी बार इन्होंने क्या करा, जालौर ऑप्शन में नहीं दिया, इन्होंने ऑप्शन में क्या दे दिया, बाड़मेर दे दिया, ठीक है। तो ध्यान रखना जालौर व बाड़मेर दोनों होंगे, संयुक्त रूप से दे रखे तो संयुक्त, और सबसे ज्यादा लाभान्वित जिला जो है वो कौन सा होगा, जालौर जिला होगा। अब एक सिंपल सा यहाँ पे आपको लॉजिक लगाना है। लॉजिक क्या लगाना है, आपने सुना होगा कि यहाँ पे आपको जो कोई परियोजना देखने को मिलती है उन परियोजनाओं में क्या लगा रखी है, कई जगह लिफ्ट लगा रखी है ना। अब लिफ्ट का मतलब वो लिफ्ट मत समझना, कौन सी वाली, जिसको मतलब आप सामान्यतः यूज करते हो मेट्रो स्टेशंस पे या मॉल्स में या कई मल्टीप्लेक्स सिनेमाज के अंदर, वो वाली लिफ्ट नहीं होगी ये, है ना। लिफ्ट कौन सी होगी सर, ये आपकी लिफ्ट का मतलब ये है, आप देखते हो अगर राजस्थान राज्य का मैं भौतिक स्वरूप देखता हूं तो राजस्थान राज्य जो है इसकी ऊंचाई जो है वो आपको उत्तर में इसकी ऊंचाई अधिक होगी अपने राज्य की, है ना। दक्षिण की तरफ जो है अपने राज्य के ढाल हैं। पश्चिमी मरुस्थल की बात करें तो पश्चिमी मरुस्थल का ढाल जो है वो दक्षिण की तरफ है, ठीक, नो डाउट। यहाँ पे गुजरात आ रहा है, मतलब राजस्थान में इस तरीके से ढाल बने हुए हैं जैसे लूनी नदी जा रही है, ढाल जो है वो कैसे हैं, ऐसे हैं राजस्थान के, लूनी नदी निकल रही है। आप एक चीज सोचो, लूनी नदी जो है वो ढाल के अनुसरण ऐसे बह रही है, कहां से आप देखोगे, बाड़मेर जालौर से निकल के जा रही है लूनी नदी अपने, और आपन क्या कर रहे हैं, बिल्कुल उल्टी एक नहर लेके आ रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल उल्टी। सर संभव है, आप ऊंचाई पे पानी चढ़ा रहे हो, जब आप ऊंचाई पे पानी चढ़ाओगे ना तो यहाँ पे नो डाउट आपको लिफ्ट का उपयोग करना पड़ेगा। लिफ्ट सिंपल भाषा में ये समझ लो कि भाई साहब यहाँ पे आपका एक छोटा मतलब ऊपर हिस्सा बना रखा है और वहां पे मोटर के द्वारा या पंप सेट के द्वारा पानी चढ़ाया जा रहा है, और कुछ नहीं है लिफ्ट। तो एक सिंपल भाषा में ये समझ लीजिए, आप ऊपर जब पानी चढ़ाएंगे तो पंप सेट के द्वारा पानी ऊपर चढ़ाना पड़ेगा, इसको बोलते हैं लिफ्ट। तो यहाँ पे नर्मदा जो सिंचाई परियोजना देखने को मिलेगी, इस परियोजना के अंदर मेरे को लिफ्ट देखने को मिलती है। तो स्पेशली यहाँ पे कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं जो ध्यान रखिएगा। पहला तो नर्मदा सिंचाई परियोजना की शुरुआत वर्ष 2008 में हुई है, लाभान्वित जिला जालौर व बाड़मेर, जालौर जिला इसके द्वारा सबसे ज्यादा लाभान्वित जिला देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा, जालौर व बाड़मेर जिले का जो क्षेत्र से लाभान्वित होगा वो 2.46 लाख हेक्टर जो है ये होगा। सर ये 2.46 लाख हेक्टर जो है ना ये याद रखना है, क्यों रखना है, आपको ग्राम विकास अधिकारी जो पेपर है वहां पे इस तरीके के क्वेश्चंस बना के दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नर्मदा नहर परियोजना के बारे में सही नहीं है। यह परियोजना वर्ष 2008 के अंदर प्रारंभ करी गई थी, राजस्थान का बाड़मेर व जालौर जिला इससे लाभान्वित जिला है। इस परियोजना के अंदर जालौर व बाड़मेर जिले के 2.46 लाख हेक्टर क्षेत्र को सिंचित किया जा रहा है, और एक डाल सकता है कि इस परियोजना पे आपका ड्रिप सिंचाई अनिवार्य नहीं है, कुछ भी आपका डाल सकता है। तो प्लीज इसलिए ध्यान रखना, 2.46 लाख हेक्टर जो है इसकी क्षमता होगी। पूर्ण करने की जो अवधि रखी गई है वो वर्ष 2023-24 रखी है। नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत गुजरात में जो सरदार सरोवर बांध बनाया गया है वहां से ये नहर निकाली जाती है, जैसे अपन इंदिरा गांधी कैनाल निकालते हैं कहां से, अपन हरि के बैराज से, है ना, जहां पे आपका सतलज व्यास का संगम देखने को मिलता है, उसी तरीके से नर्मदा नहर जो है गुजरात के अंदर सरदार सरोवर बांध से निकाली गई है, ठीक। जालौर के सीलू गांव में प्रवेश करती है, ठीक है, याद रख लो, रिलेवेंट नहीं है, हालांकि ये मेरे को थोड़ा सा बचकाना सा लगता है, पर फिर भी राजस्थान में पूछा जाता है
राजस्थान के अंदर जैसे अपने पूछ लेता है कि चंबल नदी राजस्थान में कहां से प्रवेश करेगी, ठीक, नर्मदा नहर जो है राजस्थान में कहां से प्रवेश करेगी, तो जालौर का सिलू जिला जो है यहां से प्रवेश करेगी आपका, ठीक। हाँ, कमांड एरिया इसका 2.46 लाख हेक्टर है सर। ओके, मुट्ठी भर क्षेत्र नहीं यार, सूंघने के लिए तो नहीं है यार, ऐसे मत बोलो आप कि बाड़मेर में सूंघने के लिए है, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे राज्य में 65 किलोमीटर बहने के पश्चात गुड़ावाली क्षेत्र के अंदर ये आपका प्रवेश करती है बाड़मेर में। इस पे 3 लिफ्ट परियोजना है, 3 लिफ्ट का ध्यान रखना, एक तो देखने को मिलेगी सांचौर जालौर के अंदर और 2 लिफ्ट देखने को मिलेंगी आपको बाड़मेर में। कौन कौन सी? भादेरिया और पानोरिया। अगर पूछ लेता है कि भादोरिया लिफ्ट और पानोरिया लिफ्ट कहाँ पे है बाड़मेर में, सांचौर लिफ्ट कहाँ पे है जालौर में, किस पे? नर्मदा लिफ्ट परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना पे। राजस्थान की पहली ऐसी नहर है, राजस्थान की ऐसी पहली नहीं है, भारत की भी पहली ऐसी है जहाँ पे आपका ड्रिप सिंचाई जो है, ड्रिप सिंचाई बोल सकते हो, बूंद बूंद सिंचाई बोल सकते हो, ये अनिवार्य करी गई है। देखो सर, सिंपल सा फैक्टर है यहाँ का भी, कोई ज़्यादा सिरदर्द वाली बात नहीं है। अच्छा, कितने लोग हैं जिनको ये पता है कि अपने राजस्थान के अंदर एक बार बाड़मेर में बाढ़ आई थी? पढ़ा था कभी, सुना था कि राजस्थान के अंदर बाड़मेर में बाढ़ आई थी सर? शायद एक तो मेरे ख्याल से 2013-14 की बात है, राजस्थान के अंदर बाड़मेर के अंदर बाढ़ देखने को मिलती है, शायद 13 की बात है, है ना। बाड़मेर के अंदर जो है बाढ़ आई थी आपका, इसका निर्माण समय है। इसके निर्माण के समय पॉलिथिन का यूज हुआ था, जिससे IGNP की जैसे सेम की समस्या नहीं होगी फ्यूचर में। नर्मदा परियोजना के अंदर सेम की समस्या तो वैसे भी नहीं हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है आपका, ठीक। ये जो आपको जो बताया गया है ना कॉन्सेप्ट, शांति मोहन चौधरी, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। आपने अगर कहीं पढ़ा है या आपको किसी ने बताया है कि इसका निर्माण जो है आपका निर्माण के समय, ये बात सही है कि निर्माण के समय पॉलिथिन का यूज करा गया है, पर यह बात सही नहीं है कि उससे सेम की समस्या नहीं होगी। गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर इंदिरा गांधी कैनाल के अंदर जो है ना, जो सेम की समस्या देखने को मिलती है, उसके अंदर आप इस कैनाल को दोष नहीं दे सकते हो। कैनाल तो ये पक्की कैनाल है, ये सीमेंटेड है कैनाल आपकी, इंदिरा गांधी कैनाल, इंदिरा गांधी नहर जो है पक्की नहर है, कच्ची नहर नहीं है। आप पंजाब में देखते हो, हरियाणा में देखते हो, यूपी में देखते हो, वहां पे कच्ची नहरें मिलती हैं, है ना। पंजाब के अंदर पक्की नहर बहुत कम मिलेंगी आपको, यूपी के अंदर जो है पक्की नहर मिलेंगी नहीं, नीचे से कच्ची हैं वो सारी की सारी। हरियाणा के अंदर भी आपको जो नहरें दिखेंगी नीचे से कच्ची दिखेंगी। हाँ, कुछ क्षेत्र के अंदर आपको नीचे से पक्की नहर बना के मतलब दी जाती हैं या बनाई गई हैं आपका। इंदिरा गांधी कैनाल के अंदर सेम की समस्या का जो मुख्य कारण है, वो कारण क्या है? ये मूलतया यहाँ पे मृदा जो पाई जाती है अपने राजस्थान के गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर, ये मिट्टी पाई जाएगी आपकी, एक सैंडी सॉयल होगी, बलुई मिट्टी होगी, मतलब मोटे कणों वाली आपकी मिट्टी होगी, ठीक है। यहाँ पे आप जब ऐसी मिट्टी के अंदर आप अत्यधिक सिंचाई करते हैं, अब सिंचाई यहाँ पे क्यों करी गई है, आप देखोगे इस क्षेत्र के अंदर गन्ने जैसी फसल का उत्पादन करा गया। गन्ना जो है ये आपका क्या होता है, पर हेक्टर सबसे ज्यादा आपका पानी लेता है, चावल से भी ज्यादा पानी लेगा, ठीक है। चावल जो है, जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है राजस्थान के अंदर कृषि में कि प्रति हेक्टर जो है मतलब सर्वाधिक जल का उपयोग जो है वो किस में करा जाता है, कृषि में, और कृषि के अंतर्गत भी सर्वाधिक सिंचाई कौन सी फसल को के लिए आवश्यक है, तो सबसे ज्यादा सिंचाई जो है ना वो गन्ने के लिए आवश्यक है, चावल से भी ज्यादा जो है वो सिंचाई लेता है। चावल तो होता ही आपका 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले या 200 सेंटीमीटर मतलब सॉरी 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र के अंदर, 200 बहुत ज्यादा हो गया, 100 सेंटीमीटर के आसपास जो वर्षा होती है वहां पे होता है चावल, ठीक। सिंचाई की जो सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है गन्ने के अंदर होती है, ये क्वेश्चन राजस्थान के अंदर आया हुआ है। अब यहाँ पे जब गन्ने जैसी फसल उगाई गई है ना, तो इस बलुई मिट्टी के अंदर सिंचाई बहुत ज्यादा करी गई है। सेम समस्या का मुख्य कारण जो है, मतलब सेम का मतलब क्या होता है, खेत का दलदली हो जाना, इसका मुख्य कारण क्या है, सिंचाई, और सिंचाई भी अत्यधिक सिंचाई। भाई साहब पानी है खुला छोड़ दिया अपन ने खेतों में, गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर नहरें देखने को मिली तो आपका सीधा सीधा जो है यहाँ पे पानी छोड़ दिया आपका, ठीक। दूसरा आप देखना शुरू करोगे तो यहाँ सर सरदार सरोवर बांध जो है ना वो अलग जगह है यार,
भूकंप का जोन जो है वो कच्छ वाला बॉर्डर वाला एरिया लगता है, बाउंड्री वाला क्षेत्र है, हाँ भूकंप जोन के निकट वाला क्षेत्र है। बट सरदार सरोवर बांध जो है जिस एरिया पे बनाया गया है, यहाँ पे कोई भी जब डैम वगैरह बनाए जाते हैं तो आपका जूलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो परमिशन देता है कि हाँ यहाँ पे बनाना उचित है या नहीं है, और बना रहे हो अगर मजबूरी है तो यहाँ पे इसकी क्षमता इतनी होनी चाहिए कि आपका लगभग लगभग इतने रिएक्टर तक का भूकंप जो है झेल सके, ठीक। तो गवर्नमेंट उस चीज़ के लिए लगभग तैयार रहती है, नो डाउट, बिल्कुल इसके लिए शिवाय इसका विरोध हुआ था, ठीक। यहाँ पे दूसरा डालते देखा है सर पॉलिथिन को, है ना। अब देखो यहां पे अपन देखना शुरू करते हैं, हाँ 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 शांति मोहन, बिल्कुल मैं आपकी बात मान रहा हूं। यहां पे आप जब ये नर्मदा नहर मतलब नर्मदा नहर निकाल रहे हो या नर्मदा सिंचाई परियोजना के लिए जो कैनाल निकाली गई है राजस्थान में, इस कैनाल के निर्माण के लिए आपका पॉलिथिन का यूज करा गया है, आप ये नहीं बोल सकते कि यहां पर सेम की समस्या होगी। बाड़मेर के अंदर जो बाढ़ आने का मुख्य कारण है ना, वो ये है कि बाड़मेर की जो आप चट्टानें देखते हो नीचे, मूलतया यहाँ पे आपको ग्रेनाइट चट्टानें देखने को मिलती हैं जो कि अपारगम्य है, और जब ये अपारगम्य चट्टानें देखने को मिलेंगी तो यहाँ पे बारिश अगर अत्यधिक हो जाएगी तो पानी यहाँ पे आपको भरता हुआ दिखाई देगा, ठीक। दूसरा, सेम की समस्या यहाँ पे ना हो इसलिए यहाँ पे ड्रिप सिंचाई जो है वो अनिवार्य करी गई है, ठीक है। अगर यहाँ पे भी आप खुला पानी देते कि ठीक है यार आप यहाँ पे सिंचाई करो जिस तरीके से करना चाहते हो, तो ऑब्वियस यहाँ पे भी सेम की समस्या होती। तो मतलब ये ऑलरेडी इसका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर या मैं बोल सकता हूँ भौगोलिक रूप से ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ पे अगर खेतों में बहुत ज्यादा आपने पानी भर दिया तो गारंटेड यहाँ पे सेम की समस्या होगी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने पहले ही यहाँ पे आपका कर रखा है कि ड्रिप सिंचाई जो है वो अनिवार्य रूप से करी जाएगी। ओके, क्लियर है। अरे पानी भाई, पक्की नहर है तो पानी तो वैसे भी नहीं रिसेगा, पक्की नहर है तो पानी तो वैसे भी नहीं रिसेगा उसमें से, ठीक। आगे चलते हैं, पानी के रिसने से कभी सेम की समस्या नहीं होती है, सेम की समस्या मूलतः अत्यधिक सिंचाई के कारण होती है। हाँ हाँ मैं मान रहा हूं भैया, डालते देखा है आपने, मैं खुद कह रहा हूं उपयोग करा गया है, मैं खुद कह रहा हूं उपयोग करा गया है। ओके, आगे चले हम, नेक्स्ट यहां से निकलते हैं। ये इंदिरा, ये पूरा का पूरा क्लियर है क्या बताओ, ये वाली परियोजना क्लियर, ये क्लियर है क्या, नर्मदा नहर परियोजना समझने में आ गई कहां से कैसे क्या निकाला है। अब देखो दूसरे जो भाई साहब बैठे हैं जो प्रेजेंटली बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं, इसका नाम है क्या, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, ईआरसीपी बोलते हैं अपन, ठीक है। इस ईआरसीपी परियोजना जो है दिखाई दे रहा है ना इस पे, इस परियोजना के अंतर्गत आपको एक बांध देखने को मिलता है जिसका नाम है नवनेरा बांध। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है वीडियो प्रीलिम्स के अंदर आपका, ठीक। जैसे फसलों की बीमारी, या सर एक चीज बताओ, एक टॉपिक पे पीएचडी करनी है क्या अपने को? आनंद, आनंद भाई मेरे, एक चीज बताओ, आप एक टॉपिक पे पीएचडी करनी है क्या? इतने डीप कोई थोड़ा पढ़ना है सारे के मतलब सब पे पीएचडी कर जाएं, आपको टॉपिक सारे आने चाहिए और डिटेल में आने चाहिए। अब वहां पे आप एक मतलब चैप्टर पे लगभग लगभग मैं उसके अंदर 12-15 घंटे किल करूं वो मेरे को समझदारी नहीं लगती। हाँ 2-4 घंटे 3 घंटे जो है उस तरीके से डिवाइड करूं, है ना। उनका बॉटनिकल नेम क्या है, आप एक एक फसल का बॉटनिकल नेम कैसे याद कर सकते हो, नहीं पूछा जाएगा ना। और आप उठा के देख लो आपके ग्राम विकास अधिकारी में तो नहीं पूछा जाएगा बॉटनिकल नेम क्या है इस फसल का। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे देखने को मिलता है ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट जिसको ईआरसीपी के नाम से जाना जाता है, और इस पे देखने को मिलता है नवनेरा बांध, कोटा जिले के अंदर काली सिंध नदी पे है, कोटा बारा बूंदी जो है ये लाभान्वित है। आओ चलो, पहला क्वेश्चन तो क्या बनता है आपका कि राजस्थान के अंदर ईआरसीपी जो है ये कहां देखने को मिलती है। मैं बोल सकता हूं ईआरसीपी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट या पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, क्या देखने को मिलता है, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, है ना। अब पहली बात तो यहां पे बांध कौन सा बनाया गया, आप बोलोगे कि एक नवनेरा बांध जो है वो इसी का हिस्सा है ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का, ठीक है। अब ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट जो है ये क्यों बनाया जा रहा है, मेनली मैं देखना शुरू करता हूं, पूर्वी राजस्थान के अंदर आपको चंबल नदी दिखाई देती है जो कि राजस्थान के अंदर एकमात्र, चंबल और बनास, और इसके अंदर भी मैं बोल सकता हूं चंबल जो है
ये आपका पूर्णतया मैं बोल सकता हूँ वर्ष पर्यंत बहने वाली नदी दिखाई देगी। चंबल के अलावा यहाँ पे इसकी जो सहायक नदियाँ देखने को मिलती हैं, अगर कोई झालावाड़ का है या बारा का है उसको पता है कि यहाँ पे आपको आहू, काली सिंध, परवन नदी जो है ये देखने को मिलती हैं। ये उसके अलावा पार्वती देखने को मिलेगी, कुल देखने को मिलेगी। ये जो नदियाँ हैं ये वर्षा के काल के अंदर आपका उफान पे रहती है, यानी कि वर्षा के अंदर इनके अंदर पानी बहुत ज़्यादा रहता है। इन सभी नदियों के अंदर चंबल व इसकी सहायक नदियों पे, और इस पानी का जो है वो यूज़ नहीं करा जाता, मतलब उपयोग नहीं करा जाता, और जितना भी अधिशेष पानी है यानी कि एक्स्ट्रा पानी बारिश के मौसम में आता है वो सारा का सारा बह जाता है। अब हमने क्या कहा, हमने सोचा कि यहाँ पे काम करते हैं हम, छोटी छोटी लघु परियोजनाएं, मध्यम परियोजनाएं और वृद्ध परियोजनाएं जो हैं, कुछ लघु परियोजनाएं, कुछ मध्यम परियोजनाएं और वृद्ध परियोजनाएं यहाँ पे बनाते हैं, जिससे क्या होगा चंबल व उसकी सहायक नदियों पे कुछ बांध बनाए जाएंगे। लाभ क्या होगा, लाभ ये होगा कि पूर्वी राजस्थान जो देखने को मिलता है या उत्तरी पूर्वी राजस्थान जो देखने को मिलता है, इस क्षेत्र के जो जिले देखने को मिलते हैं उनको सिंचाई के लिए पानी मिल जाएगा। सिंचाई के अलावा ड्रिंकिंग वाटर, पेयजल जो है ये भी यहाँ पे मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे भौम जल स्तर जो है वो भी आपका बढ़ जाएगा, ग्राउंड वाटर लेवल जो है ये भी बढ़ जाएगा। ये तीन बातें करी गई कि सर एक तो सिंचाई के लिए पानी मिल जाएगा यहाँ पे, एक आपका भौम जल स्तर। भौम जल स्तर क्या होता है, सामान्यतः आपने पढ़ा होगा राजस्थान में सबसे ज्यादा सिंचाई किससे करते हैं, आप बोलोगे सर कुओं से और नलकूप से। अब कुएं और नलकूप पानी कहाँ से निकालते हैं, सर जमीन में से। अब ऐसा तो है नहीं कि जमीन में कोई मशीन लगी हुई है जो पानी बना रही है, जमीन के अंदर पानी कहाँ से जाता है, धरातल का पानी है इसके जमीन में जाता है। अब जमीन में से आप पानी निकाले जा रहे हो और धरातल पे आपने पक्की सड़कें बना दी हैं, उसके अलावा आपने कंक्रीट के मकान बना दिए हैं, तो जमीन के अंदर तो वापस रिफिल हो ही नहीं रहा है पानी। उसके अलावा आप ग्राम विकास अधिकारी बनोगे, आपको पता रहेगा अधिकांशतः गांवों के अंदर समस्या क्या देखने को मिलती है। गांवों के अंदर आप अपने खुद के गांव में देख लेना, अगर आपके गांव में कोई पुराना जोड़ा होगा, तालाब होगा या कोई टांका होगा या नाड़ा होगा, ठीक, तो वर्तमान में जो है उसका अस्तित्व ही नहीं रहा होगा। बचपन में अगर आपने देखा होगा वो, तो वर्तमान में उसका अस्तित्व नहीं होगा। वहां पे ये जोड़ या जोड़े जो दिखाई देते हैं, बारिश का पानी अपने राजस्थान में इनमें इकट्ठा होता था और वो भौम जल स्तर को बढ़ाता था, ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाता था। सिंपल सी बात, इस जमीन को रिचार्ज करना जरूरी है पानी से। कब रिचार्ज होगा, जब आप धरातल पे पानी रोक के रखोगे। अगर आप धरातल पे पानी रोक के नहीं रखोगे तो ये जमीन का पानी जो है रिचार्ज नहीं होगा। आपने देखा होगा जैसे अपने राजस्थान के अंदर बोरिंग करवाते हैं तो जो बरसाती नदी है ना, उस नदी के पेटे क्षेत्र में आपको पानी मिल जाएगा आसानी से, है ना। तो यहां पे भी ये कहा गया कि ये जो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है, यहां पे छोटे छोटे हम बांध बनाएंगे। एक तो हम उससे क्या करेंगे, सिंचाई के लिए पानी देंगे, एक पेयजल की समस्या हम क्लियर कर देंगे, ठीक, वो भी समस्या का समाधान हो जाएगा। उसके अलावा यहां पे एक समस्या का समाधान और होगा, जो आपका भौम जल स्तर जो है गिर रहा है, जब छोटे छोटे बांध बना के पानी रोका जाएगा बारिश का, तो भौम जल स्तर जो है वो अपने आप ऊपर हो जाएगा, ग्राउंड वाटर लेवल जो है ये अपने आप ऊपर हो जाएगा। अब ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है वो राजस्थान के कितने जिलों में चलाई जाती है, आप बोलोगे साहब राजस्थान के 13 जिले जो हैं ये इनमें ये लाभान्वित होंगे, ठीक है, 13 जिले जो हैं राजस्थान के ये लाभान्वित होंगे। सर कौन कौन से होंगे, सर सीधा रहा लो आप, यहां से आ जाओ अरावली के इधर वाले देख लेना, अरावली के इधर वाले आपको देखने को मिलेगा, अलवर देखने को मिलेगा, आपको जयपुर देखने को मिलेगा, भरतपुर देखने को मिलेगा, धौलपुर, सवाई माधपुर, करौली, इधर दौसा, इधर देखने को मिलेगा आपको टोंक, इधर कोटा, बूंदी, झालावाड़, ठीक है, ये जो जिले हैं आपके, और अजमेर, ये जो जिले हैं 13 जिले ये लाभान्वित होंगे, ठीक। तो ये सारा का सारा आप यहां पे ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट जो है चंबल व उसकी सहायक नदियों पे आपका बनाया गया प्रोजेक्ट, राजस्थान के 13 जिले लाभान्वित। उद्देश्य देखने को मिलता है सिंचाई, पेयजल व भौम जल स्तर के लिए यहां पे पानी जो है वो प्राप्त करना। आओ चलो इसको देखते हैं। नवनेरा बांध इसके अंतर्गत देखने को मिलता है कोटा जिले में काली सिंध नदी पर, एक वृहद परियोजना है यह राजस्थान की नवनेरा बांध। अब वृहद परियोजना, सीधा क्वेश्चन आता है नवनेरा बांध से लाभान्वित जिलों के नाम बताइए, तो सर कोटा है तो कोटा तो लाभान्वित होगा ही होगा। अब कोटा का जो पड़ोसी है बूंदी, ये क्यों चला जाएगा, तो ध्यान रखना कोटा, बूंदी और बारा, झालावाड़ को मत रखना इसके अंदर आप, ठीक। अब ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, तो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, दक्षिणी राजस्थान की जो नहरें चंबल, कुन्नू, पार्वती आपका और इसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं, उनका बारिश का जो अधिशेष पानी है इसको इकट्ठा करने और पानी का उपयोग करके दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान जो है जहां पे पानी कम है वहां सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाना, पेयजल के लिए पानी उपलब्ध करवाना।
अब देखो राजस्थान राज्य जल संसाधन विभाग क्या कहता है, ये कहता है कि राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल जो देखने को मिलता है आपका भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.41% है, जो कि सामान्य आप भूगोल के अंदर पढ़ते हो। अब भारत के कुल सतही जल यानी कि जो नदियां हैं, जो झीलें हैं, देखो जल भी दो तरीके का होता है, जल संसाधन आप देखते हो तो जल अपने को दो तरीके से प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होगा? एक तो सतही जल होगा। सतही जल कैसा होगा? सर सतही जल या तो मेरे को नदियां में देंगी आपका, नदियों के अलावा मेरे पास में झील होंगी, और तो कोई ऑप्शन नहीं है ना। नदी और झील के अलावा और कोई ऑप्शन है क्या सतही जल का अपने पास में? बता दो कोई है। समुद्र वगैरह का तो जल पीते नहीं है अपन, तो राजस्थान के, अब राजस्थान के अंदर आप बोलोगे सर समुद्री जल, तो वो संभव ही नहीं है। सतही जल के स्रोत जो ही हो, दो ही होंगे अपने पास में, या तो नदियां होंगी या झील होंगी। झील के अंदर वो आप देख सकते हो अपने तालाब वगैरह बोल सकते हो, टाका टोबा, वो भी एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ सतही जल देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखो यहां पे दूसरा जल कौन सा होता है? दूसरा होता है भौम जल। भौम जल जिसको बोलते हैं अपन अंडरग्राउंड वाटर, जो कि जमीन से निकाला जाता है। तो ध्यान रखना राजस्थान राज्य जो है भारत के कुल सतही जल का कितना रखता है? 1.16%। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये राजस्थान राज्य जल संसाधन विभाग कह रहा है और आर्थिक सर्वे कह रहा है। और भौम जल का कितना रखता है? 1.76%। ये दोनों डाटा याद रखने हैं आपको, ठीक है। तो 7-2 जो है ये ध्यान रखना, सतही जल का 1.16 और ये भौम जल का सर 7-6 है शायद इकोनॉमिकल सर्वे में, 7-6 है सर ये, ठीक। दूसरा अब यहां पे आप देखना कि इन्होंने क्या करा है, यहां पे आपका कुछ छोटे छोटे जो हैं आपके बनाना शुरू कर रहे हैं, मैं बोल सकता हूं आपके प्रोजेक्ट जो है वो बनाए जाएंगे, और इस प्रोजेक्ट से राजस्थान का पूर्वी जो भाग है इसका 23.67% क्षेत्र और 41.13% आबादी जो है ये कवर करी जाएगी। ये लाभान्वित जो होगी, कितना क्षेत्र होगा? 23.67 और आबादी कितनी होगी? 41, लगभग आप बोल सकते हो पूर्वी राजस्थान के अंदर राज्य की 41% जनसंख्या रहती है, तो 41.13 जो जनसंख्या जो है ये इससे लाभान्वित होती देखने को मिलेगी पूर्वी और पठारी राजस्थान के अंदर। अब देखो यहां पे नेक्स्ट क्या देखने को मिलता है, जल संसाधन विभाग के अनुसार जो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है ये 2.8 लाख हेक्टर का क्या रखता है? कमांड एरिया रखता है, ठीक है। इस परियोजना के कारण मैं बोल सकता हूँ लगभग यहाँ पे आपका 4.31 लाख हेक्टर जो है इसको सिंचाई सुविधा ये देखने को मिलेगी। लगभग आप देखना शुरू करते हो यहाँ पे ये परियोजना जो है इसके अंतर्गत अपन ने कोटा के अंदर काम भी शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है वो बात क्या है कि आप यहां पे देखना शुरू करते हो इस परियोजना के द्वारा दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा जो है उसको भी आपका पेयजल जो है, मतलब उसको भी जल जो है वो प्राप्त करवाया जाएगा। कितना? 286.4 मिलियन घन मीटर। दिल्ली आप देखना शुरू करते हो ये आपको DMCR जिसको बोलते हैं अपन दिल्ली मुंबई DMICR दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एरिया जो है जिसको आप बोलोगे दिल्ली मुंबई औद्योगिक क्षेत्र जो है जो कि राजस्थान के अंदर यहाँ पे विकसित करे जा रहे हैं कुछ औद्योगिक क्षेत्र, इन औद्योगिक क्षेत्रों को ये जल उपलब्ध करवाएगा 286.4 मिलियन घन मीटर। अब बात ये चल रही है, ये रहता है चर्चाओं में बहुत ज्यादा। चर्चाओं में क्यों रहता है? हमारे CM साहब जो है वो बार बार कहते हैं कि इसको राष्ट्रीय परियोजना बना दो आप, ठीक। अभी तक ये कोई राष्ट्रीय परियोजना नहीं है, इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं दिया गया है। बात क्यों आ रही है कि इसको राष्ट्रीय परियोजना बनाओ, ठीक है, CM साहब इसी को क्यों कह रहे हैं राष्ट्रीय परियोजना बनाओ, और किसी परियोजना को क्यों नहीं कह रहे राष्ट्रीय परियोजना बनाओ? बेसिकली इसका जो कहानी की शुरुआत होती है, इस कहानी की शुरुआत होती है वर्ष 2000 आपका इससे पहले जो अपने इलेक्शन 17 तो जो 16-17 वाला जो आपका मतलब 17-18 के अंदर जो बजट अपना आता है तो CM साहिबा हुआ करती थी पहले, अंतिम वर्ष जो था अपने वसुंधरा मैडम का 18 वर्ष 2000 शायद मेरे ख्याल से 19 में तो इलेक्शन ही थे ना, 19 के बाद 20, 21, 22, 23 नहीं 18 में इलेक्शन थे, हाँ 18 में इलेक्शन थे राजस्थान में, दिसंबर 18 में थे, दिसंबर के बाद 19, 20, 21, 22, 23 यह सब अगले साल दिसंबर में इलेक्शन है, 18 में इलेक्शन थे 2018 के अंदर। वसुंधरा मैडम जो है वो एक मतलब बजट का जो स्पीच जो है भाषण जो है वो देती हैं और उसके अंदर क्या कहती हैं वो, उन्होंने कहा कि राजस्थान के अंदर हम एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं
जिसका नाम है ERCP ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। और हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि ये जो प्रोजेक्ट है लगभग ज़्यादा नहीं है आपका 650 करोड़ जो है इसकी लागत है, ठीक। और ये 650 करोड़ की लागत जो है इसका खर्चा जो बनाएंगे हम किसको, इसको नेशनल प्रोजेक्ट बना के निकालेंगे। सर नेशनल प्रोजेक्ट का मतलब क्या होगा? नेशनल प्रोजेक्ट का मतलब ये होगा कि इसके अंदर 90% खर्चा जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा वहन करा जाएगा और राज्य सरकार जो है वो 10% खर्चा वहन करेगी, ठीक है। इसको बोलते हैं कोई भी प्रोजेक्ट जब आपका राष्ट्रीय परियोजना बन जाती है तो वहां पे अनुपात जो है वो खर्चे का 90-10 हो जाता है। ये वसुंधरा मैडम ने कहा था या उस वक्त राजस्थान राज्य की जो मुख्यमंत्री थी उन्होंने कहा था। अब जब उन्होंने ये कहा, अब उसके बाद में तो क्या हुआ, इलेक्शन आपको पता है रिजल्ट आए तो राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट जो है वो चेंज हो गई। और जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई तो वादा तो खैर उस वक्त कार्यकाल के CM का था, अब वर्तमान CM साहब जो हैं राजस्थान के वो कहते हैं कि भाई ये परियोजना जो है आपके कार्यकाल के लाई हुई थी और आप इसको कह रहे थे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाए, ठीक, और आप इसको दिलवा भी रहे थे। तो इसको वर्तमान में राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देना चाहिए। ये पूर्वी राजस्थान के साथ साथ इससे मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र जो है ये भी लाभान्वित होगा और स्पेशली जो जल संकट जो है उसकी समस्या का समाधान होगा और दूसरा कृषिगत उत्पादकता बढ़ेगी, ठीक। तो नो डाउट, देखो एक प्रोजेक्ट बनता है तो आप ये मत सोचना कि सर 650 करोड़ क्यों लगा रही है गवर्नमेंट। कृषिगत उत्पादकता बढ़ती है, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय जो है उसके अंदर वृद्धि होती है, रोजगार में वृद्धि होती है, कई फायदे होते हैं उसके, पेयजल प्राप्त होता है आपका, ठीक। तो ध्यान रखना अभी तक ये राष्ट्रीय परियोजना नहीं है ERCP। समझने में आ गया क्या, बताओ? दिसंबर 2018 96 करोड़ आर्थिक समीक्षा में, अब तक सर इसके अंदर छोटी मोटी प्रोजेक्ट ला के होंगे आपके आर्थिक समीक्षा में 96 करोड़ ERCP का। कहां पढ़ लिया यार, कितना बता रहे हो? 9600 करोड़। ना नहीं, एक मिनट सर, 1595। हाँ सर बिल्कुल सर इसके अंदर जो है ना, हाँ सर सही कह रहे हो, बिल्कुल 9600 करोड़ होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि 1500 करोड़ तो लगभग जो लागत है ना इसकी आपकी देखने को मिलती है नवनेरा की। नवनेरा जो है लगभग 1500 करोड़ तो इसी की लागत बता रहे हैं, है ना, लगभग नवनेरा जो इसी की बता रहे हैं 1500 करोड़। तो अपन चलो सर आगे देखना शुरू करें। आगे देखने को मिलता है आपका धौलपुर लिफ्ट परियोजना, ठीक। अरे सर मान ली ना, मैंने देख लिया सर, मान ली मैंने सर, इसी लिंक पे मिलेंगे सर। प्लस के नोट्स मैं टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ, वो एक साथ कंपाइल करके मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, एक साथ मैं कंपाइल करके आपको दे दूंगा। प्लस के मैं टेलीग्राम पे भी डाल रहा हूँ, एक साथ मैं दे भी दूंगा आपको, ओके। आगे चलें सर, कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिया, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू। और कोई कमेंट? टू गुड सर जी, ओके थैंक यू। आगे चलें, चलो सर अब देखो यहाँ पे आगे देखना शुरू करते हैं। हाँ वो बता दिया मैंने आपका 2.8 हेक्टर जो है बता दिया 2018। सर मैं बता दिया ना, इलेक्शन हुए थे उससे पहले घोषणा करी गई थी, मैं बता चुका हूँ ये चीज़। अब आगे देखना शुरू करते हैं। अरे यार माही प्रोजेक्ट पे देखने को मिलेगा यार, आदिवासी परियोजना, चलेंगे उसकी भी बात करेंगे। आओ चलो नेक्स्ट देखने को मिलता है कि आपका धौलपुर लिफ्ट परियोजना जो है ये देखने को मिलती है। अच्छा ध्यान रखना, सबसे पहले अगर बात करी जाए अपने को देखने को मिलती है कौन सी, मैं सिंपल बात करूँ, ड्रिप सिंचाई जो है वो भारत में या राजस्थान में जो पहली परियोजना देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है नर्मदा नहर परियोजना।
यहाँ पे अपन ने क्या करा हुआ है, चंबल नदी जो है ना, चंबल नदी पर यहां से हमने पाइपलाइन डाल के कुछ लिफ्ट डाली हुई है। देखो सर, आप सिंपल सा एक देखना शुरू करोगे, स्पेशली राजस्थान को अगर मैं देखना शुरू करता हूं, तो राजस्थान के अंदर ये वाला जो क्षेत्र होगा अपना, मतलब ये वाला जो क्षेत्र जिस क्षेत्र में चंबल नदी फ्लो कर रही है, यहां पे आपको एक फॉल्ट देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। है कि नहीं है यहां पे ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट राजस्थान के अंदर? यहां पे ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है ना। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट आप बोलोगे एक भ्रंश है, खड्डा है जिसके अंदर ये नदी प्रवाहित हो रही है। अब नदी इस ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के अंदर जैसे फ्लो कर रही है, प्रवाहित हो रही है, अब क्या होगा, सीधी सी बात है, मेरे को राजस्थान का जो ढाल है ये अरावली है, ढाल इस तरफ है अपना राजस्थान का। आप देखो यहां से अरावली से जितनी भी नदियां निकल रही है ना, बनास निकल रही है, ठीक है, उसके अलावा मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे आपकी बेड़च निकल रही है, ठीक है, इधर कोठारी निकल रही है, मतलब जो भी नदियां निकल रही है, बाणगंगा निकल रही है, सारी की सारी इधर फ्लो कर रही है, सारी की सारी इधर बह रही है। इधर ही क्यों बह रही है? क्योंकि इधर ढाल है, पानी जो है वो हमेशा ढाल की तरफ बहता है। कभी सुना है पानी ऊपर चढ़ रहा है, पानी पहाड़ पे चढ़ रहा है? ऐसा हो सकता है कि यहां से नदी निकल रही है और वो इधर अरावली की तरफ चल रही है? हो ही नहीं सकता। अरावली की तरफ ऊंचाई ज्यादा होगी। ये पूर्वी राजस्थान का ढाल जो है ना, वो आपका उत्तर पूर्व की तरफ है, और पश्चिमी मरुस्थल का ढाल जो है वो कहां पे है, दक्षिण पश्चिम की तरफ है। तभी तो यहां से लूनी नदी जो है अपने राजस्थान में इधर जाती है ना। अब यहां पे सीधी सी बात है, आप चंबल से जब पानी इधर सिंचाई के लिए लेके जाओगे, आपको लिफ्ट बनानी पड़ेगी फिर से। आप ऐसे नहीं है कि पूर्वी राजस्थान के अंदर चंबल का पानी लेके जाओगे और ऐसे ले जाओगे, यहां से आप नहर निकालोगे ले जाओगे, आपको लिफ्ट बनानी पड़ेगी। धौलपुर लिफ्ट परियोजना जो है, यहां पे क्या डाल रखी है हमने, पाइपलाइन डाल रखी है। पाइपलाइन उसी तरीके से समझ लो जैसे पाइपलाइन से बीसलपुर का पानी जयपुर के अंदर आया है, ठीक है। बीसलपुर डैम जो है, जो कि आपको टोंक में देखने को मिलता है, सोचो आप टोंक से जयपुर तक पानी लाया जा रहा है पाइपलाइन बिछा के। 2006-07 मेरे को बहुत ढंग से पता है, मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था तब जयपुर का आधा एरिया जो है वो खुदा हुआ था, और आधा एरिया जो है खुदा हुआ था इस बीसलपुर प्रोजेक्ट की वजह से ही खुदा हुआ था। बीसलपुर की पाइपलाइन डल रही थी जयपुर के अंदर आपका, ठीक है। तो यहां पे आप देखना शुरू करते हो, स्पेशली ये जो धौलपुर लिफ्ट परियोजना देखने को मिलती है, यहाँ पे हमने कोई कैनाल वगैरह, कोई नहर वगैरह कुछ नहीं बना रखी है, यहाँ पे हमने पाइपलाइन डाल रखे हैं। जिस किसी को सिंचाई करनी है, भाई साहब पाइपलाइन में से कनेक्शन ले और सिंचाई करवाए या सिंचाई करें। तो यहाँ पे जो धौलपुर लिफ्ट परियोजना देखने को मिलती है आपको राजस्थान के अंदर, ये पूरी की पूरी मैं बोल सकता हूँ भारत की पहली ऐसी परियोजना है जो कि आपकी पाइपलाइन पे आधारित है। देखो, भारत की पहली ड्रिप परियोजना पूछे तो आप बोलोगे नर्मदा कैनाल प्रोजेक्ट या नर्मदा नहर परियोजना, और भारत की पहली पाइपलाइन आधारित परियोजना ये सिंचाई परियोजना है, ठीक है। तो सिंचाई परियोजना है, मैं बोलूंगा कौन सी है, धौलपुर। और ध्यान रखना, राजस्थान की दूसरी ऐसी है जो आपका स्प्रिंकलर आधारित परियोजना है, यानी कि यहाँ पे फवारा सेट लगाने अनिवार्य है। आप ऐसा नहीं है कि पानी जो है पाइप का कनेक्शन आपने ले लिया पानी का और खेत में आप पानी जो है चलने दे रहे हो, पानी को खोल दिया है, ठीक। बाकी इसके अंदर आप धौलपुर जो देखने को मिलता है, ये इससे लाभान्वित होगा। और इसी परियोजना पे एक 30 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करा है, जो कि इन पाइपलाइनों में पानी डालने के लिए या पानी को पुश करने के लिए या लिफ्ट करने के लिए मोटर चलाने के काम में आता है। बस एक संयंत्र यहाँ पे बना रखा है आपूर्ति के लिए, नथिंग एल्स, उसके अलावा कुछ नहीं है। नेक्स्ट, परवन परियोजना। तो देखो, परवन परियोजना आपको देखने को मिलता है, परवन वही वृहद परियोजना देखने को मिलती है। परवन परियोजना से पहला क्वेश्चन राजस्थान के अंदर ये बना हुआ है कि परियोजना जो है इससे लाभान्वित जिले कौन कौन से देखने को मिलेंगे, कौन कौन से जिलों को सिंचाई करी जाएगी परवन से आपका। तो परवन जो नदी आप देखना शुरू करते हो, स्पेशली आपको दिखाई देगी कहाँ पे, यहाँ पे बारा और झालावाड़ के अंदर। तो ध्यान रखना, परवन परियोजना से एक तो बारा जो है ये लाभान्वित होगा, और एक आपका झालावाड़ जो है ये लाभान्वित होगा। बारा झालावाड़ तो लाभान्वित होंगे ही होंगे, इससे एक लाभान्वित होता हुआ दिखाई देगा आपको कोटा। ये क्वेश्चन सीधा सीधा मेरे ख्याल से या तो ये आरएएस प्रीलिम्स में आया हुआ है, 101% आरएएस प्रीलिम्स में ही आया हुआ है, और ये लाइन सीधी की सदे, मतलब ऐसे ही आपके आर्थिक सर्वे में दे रखी है, राजस्थान इकोनॉमिकल सर्वे में, कि परवन वृहद परियोजना से लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं। तो झालावाड़ के निकट इसमें बांध बनाया गया है, और मैं बोल सकता हूं इसमें झालावाड़, बारा, कोटा जो है ये तीन जिले लाभान्वित होंगे। अब इस परियोजना के अंदर सबसे पहले, अब ये मत याद रखना कितने गांव, पहला तो ध्यान रखना गांवों को क्या मिल रहा है, पेयजल मिल रहा है। पेयजल उपलब्ध करवाने के साथ साथ सिंचाई के लिए भी मिल रहा है। देखो, कोई भी परियोजना है तो ध्यान रखना क्या वहां पे पेयजल भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है।
क्या पीने के लिए भी पानी उपलब्ध करवा रहा है? अपने यहाँ राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या ड्रिंकिंग वाटर की है, पेयजल की समस्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रहा है आपका, पेयजल के साथ साथ में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। उसके अलावा ये जो परवन प्रोजेक्ट जो देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है यहाँ पे जो ताप विद्युत संयंत्र देखने को मिलते हैं, थर्मल पावर प्लांट देखने को मिलते हैं। अब देखो सर, थर्मल पावर प्लांट, कभी भी थर्मल पावर प्लांट या कोई भी पावर प्लांट, मतलब स्पेशली दो नाभिकीय संयंत्र देखने को मिलता है, या आपको क्या देखने को मिलता है, ताप विद्युत संयंत्र या नाभिकीय विद्युत संयंत्र। ताप विद्युत संयंत्र स्पेशली कोयला आधारित होता है, ठीक। अब देखो इनमें क्या करा जाएगा, चाहे आप कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र को देख लो, चाहे आप नाभिकीय ऊर्जा आधारित ताप विद्युत संयंत्र को देख लो, इन दोनों को पानी की आवश्यकता होती है। क्यों आवश्यकता होती है? कोयले से सीधी बिजली नहीं निकाली जाएगी, या परमाणु का विखंडन करके सीधी बिजली नहीं निकाल पाओगे आप। वो कोयला और परमाणु केवल वो तो एक स्रोत है जो कि आपका ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, और ऊर्जा भी कौन सी, ताप। कोयले को आप जलाओगे तो कोयला जलाने पर हीट देगा, तापमान देगा। परमाणु का विखंडन करोगे तो उससे आपका ऊर्जा, ताप ऊर्जा मुक्त होगी, ऊष्मा मुक्त होगी, और उस ऊष्मा का जो उपयोग करा जाता है वो पानी को गर्म करने में करा जाता है, और पानी आपका वाष्पीकृत करा जाता है, और उससे टर्बाइन्स घुमाई जाती हैं, और उससे आपका बिजली जो है वो जनरेट करी जाती है। विद्युत उत्पादन ऐसे होता है, ऐसा नहीं है कोल विद्युत संयंत्र जो है। कोयले का उपयोग इसलिए करा जाता है कि आसानी से सर्वसुलभ है, और इसकी तकनीक के अंदर खर्चा कम होता है, टेक्नोलॉजी के अंदर कम खर्चा होता है, ठीक है। तो हालांकि पॉल्यूशन करता है ये, कई बार पूछा हुआ भी है, सर्वाधिक वायु प्रदूषण जो है वो किसके द्वारा करा जाता है, या विश्व में सबसे ज्यादा कोयले का उपयोग किसके अंदर करा जाता है, तो ताप विद्युत संयंत्र में उपयोग करा जाएगा। और आप पढ़ भी रहे हो कि वर्तमान में कोयले की कमी है, तो बिजली जो है कम बन रही है आपकी, है ना, और राजस्थान जो है छत्तीसगढ़ से कोयला लेता है सारा का सारा ताप विद्युत संयंत्र में। तो ताप विद्युत संयंत्र जो होंगे उनको पानी की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि भाई साहब कोयला जो है वो जल के तो आपकी बिजली नहीं बनाएगा। बिजली कैसे बनेगी, जब पानी गर्म होगा उससे वाष्प, और उस वाष्प से आप टर्बाइन घुमाओगे। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, इसमें आपका 2970 मेगावाट जो है वो मतलब विद्युत उत्पादन भी कराई जाएगी, नियर अबाउट 79 मिलियन मीट्रिक मीटर जल जो है ये आपका उपलब्ध करवाएगा ताप विद्युत संयंत्र को। तो सीधा सा ये है कि परवन वृद सिंचाई परियोजना, इसके जल का उद्देश्य या जल का उपयोग किस किस के लिए करा जाता है, तो मैं बोलूंगा पेयजल के लिए, सिंचाई के लिए, और ताप विद्युत संयंत्र के लिए। परियोजना से लाभान्वित जिले, आप बोल दोगे साहब एक तो झालावाड़ देखने को मिलता है, परवन नदी, एक आपका परवन नदी से ही याद रखना, झालावाड़ के अलावा एक अपने को जिला देखने को मिलता है, कौन सा, नेक्स्ट इसके बगल वाला बारा जो है, और एक अपने को देखने को मिलता है कोटा। ये तीन जिले जो हैं ये आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो ये कुछ थोड़े बहुत प्रोजेक्ट हुए, ठीक, बाकी मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगा दोस्त। आज जो है मेरी तबीयत थोड़ी सी ढीली है, मेरी क्लास लेने की इच्छा थी नहीं, पर फिर मुझे लगा कि ऐसे बुरा लगेगा तुम लोगों को, है ना, कि सर आए फिर चले गए या आए भी नहीं, तो मैं सोचा क्लास ले लेते हैं। बूंदी नहीं है, परवन में बूंदी नहीं है यार, नहीं बूंदी नहीं है सर। दुष्यंत शर्मा, नहीं सर बूंदी नहीं है, क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आरएएस में आया हुआ है, बूंदी नहीं है परवन सिंचाई परियोजना में, पेयजल और सिंचाई से लाभान्वित नहीं है इसमें। प्रेजेंट में इसको वृद सिंचाई परियोजना में काउंट नहीं करते हैं परवन को। क्यों नहीं करते हैं? करते हैं, परवन वृद सिंचाई परियोजना में है। ये किसका मैसेज है, ये किसने मेरे को मैसेज करा अभी, सुरेंद्र सैनी सर करते हैं, किसने कहा नहीं करते हैं परवन को वृद्ध सिंचाई में, कहां लिखा हुआ है? मैं क्या कह रहा हूं, मेरे पे भी विश्वास मत करना, है ना, वीडियो का पेपर दे रहे हो ना, मेरे पे भी विश्वास मत करना, विश्वास करना आप गवर्नमेंट के डाटा पे, और गवर्नमेंट डाटा के अकॉर्डिंग परवन जो है वृद्ध सिंचाई परियोजना है राजस्थान की, है ना सर। हाँ अंता प्लांट को, बिल्कुल महेंद्र सोलंकी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे लाते हैं, दिल खुश हो गया आपसे पढ़ते हैं, वो क्लास में याद हो जाता है, अब लगता है कि मंजिल दूर नहीं है, थैंक यू सर। चलिए हाँ हाँ बिल्कुल, आर्थिक परियोजना में वृद्ध परियोजना है, तभी तो मैं कह रहा हूँ ना आपसे,
तभी मैं कह रहा हूँ व्रत परियोजना है ना। कमल थैंक यू यार, थैंक यू एवरीवन इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए, और मतलब इतने अच्छे पॉजिटिव कमेंट करने के लिए कान तरस गए थे। तो ठीक है सर, कंटिन्यू करेंगे इसको और मैं डेली मिलूंगा आपको यहाँ पे, और क्लासेस जो है वो पूरी आपको करवाऊंगा। ठीक है इंदिरा, थैंक यू, भाषा शैली और पढ़ाने का तरीका पसंद आया। शीश राम थैंक यू सर, थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अलॉट यार। नो डाउट, मेरे को लगता था, मेरे को कई बार लोग बोलते थे कि यार तुम ना बड़ा एनर्जी से पढ़ाया करो, तुम बड़े शांत तरीके से पढ़ाते हो, तो वो उछल कूद के मुझसे नहीं पढ़ाया जाता है, मतलब मैं पूरी जान लगा के पढ़ाऊँ तो भी मैं यही बात बोलूँगा, और मैं आराम से बोलूँ तो भी मैं यही बात बोलूँगा। अब मेरी बोलने की शैली यही है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता है ना। अब चाहे मैं बहुत ज़्यादा एग्रेशन से बोलूँ चिल्ला के, इसका आंसर पर्वन होगा, पर्वन जो है कहाँ है, कोटा, कोटा के अलावा आपको देखने को मिलता है झालावाड़, बारा, याद रखना कोटा, तो भी वही बात है, नॉर्मली बोलूँ तो भी वही बात है। थैंक यू, आपको मतलब ये शैली पसंद आ रही है, तो फिर मिलते हैं सर नेक्स्ट सेशन के अंदर। आपका प्लेलिस्ट मैं बनवा दूंगा सर, है ना, मैं आपको पढ़वा दूंगा, प्लेलिस्ट मैं बनवा दूंगा, इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। चलिए सर, उसके अलावा आप नो डाउट अनअकैडमी पर जो है वो मेरी स्पेशल क्लास ले सकते हैं, और बहुत से लोग जो हैं कई बार जानना चाहते हैं कि सर आप पढ़ा रहे हो तो मतलब आप क्या क्वालिफिकेशन है या आपने क्या करा हुआ है। तो सर थोड़ा सा आप यहाँ पे जान लीजिए, मैं अनअकैडमी पे जो है प्लस एजुकेटर हूँ, और अनअकैडमी पे मैं पिछले 3 साल से पढ़ाता आ रहा हूँ, और उससे पहले मैंने बहुत सी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स के अंदर पढ़ाया हुआ है, और दिल्ली के अंदर या दिल्ली के अंदर, उसके अलावा मैंने वर्क करा हुआ है एज ए टीचर, मैं ट्रेनर बोल सकता हूँ, यानी कि आपने देखा होगा कुछ ट्रेनिंग दी जाती है गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर को, तो मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाने के अलावा मैं ये भी वर्क करता था। और मेरी क्वालिफिकेशन जो है मैंने नेट करा हुआ है ज्योग्राफी में और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, और अनअकैडमी पर आपको मेरी प्रोफाइल दिखाई देगी तुषार त्यागी के नाम से, तो आप मेरी प्रोफाइल पे आके मेरे को फॉलो भी कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल है नीचे ज्योग्राफी बाई तुषार त्यागी, आप इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको मेरी अपकमिंग फ्री क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक, उसके अलावा आप अनअकैडमी प्रोफाइल पे जैसे ही मेरे को फॉलो करोगे तो अनअकैडमी पर जितने भी मेरी क्लासेस होती हैं, फ्री क्लासेस या पेड क्लासेस, आपको उनका नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगा। अगर आप अनअकैडमी पर प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं या प्लस क्लासेस देखना चाहते हैं तो आप वो देख सकते हैं, और डिस्काउंट के लिए आप कोड यूज़ कर सकते हैं टी टी लाइव, और जो भी कोर्स आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं और टी टी लाइव कोड का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सर, फिर मिलते हैं अपन कल नेक्स्ट सेशन के अंदर, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, और अनअकैडमी लाइव आरपीएससी चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम कल रात को 10 बजे एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।